ट्रिपलेट्स है, ओल बता रही, सॉरी गलती हो गई मेरे से, ये वो सब करके। तो सबसे पहली बात, ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। कैसा लेना है आपको पता है? कैसे हर महीने ये जो कुछ भी, ये नंबर्स है, ये आंकड़े जो कुछ भी है, 150, 160, 200, 250, जो कुछ भी है, इसमें आपको 10% नाम और जोड़ने होंगे। ये आपको नेटवर्कर के हिसाब से रखने के लिए है, क्योंकि किसी ने कहा था कि चीफ, आपका नेटवर्कर, एक बार नेटवर्कर होने के बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप रिटायर हो जाओ। रिटायरमेंट लूजर्स के लिए है। रिटायर होके करना क्या है? डेविड आकर बोले मुझे एक बार, अभी वक्त है रिटायर होने का। मैंने उनको मुंह पर ऐसा मारकर यही कहा था कि यही पर रहना है करके। घर पर जाकर तुमको नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ही देखना है कितने घंटे के लिए। कितने झाड़ पौधे लगाओगे आप? ये क्या पागलपंती है रिटायरमेंट के बारे में? सच में अगर रिटायरमेंट के बारे में बात करें कि आप अपने वक्त को नियंत्रित कर लो, आप अपना खुद के विकल्प बना लो, अपने खुद के चीजें चुन लो, खुद का काम चुन लो। आर्थिक आजादी का सच में मतलब ये है कि मैं अपने वक्त के नियंत्रण में हूं। मैं अभी उससे ज्यादा, मतलब 20 साल पहले जितना मेहनत करता था, उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। सच में अगर रिटायरमेंट का मतलब ये होता है, अपने माता पिता के जैसे रिटायरमेंट है कि मतलब घर से वापस आने के बाद, फिर बाद में सोने की घड़ी पहनकर घर पे बैठे रहते, लुंगी वगैरह पहन के, टीवी वगैरह देते, ऐसे किस्म की रिटायरमेंट आज के तारीख में होती नहीं है। मैं हमेशा सब लोग से कहता हूँ, भाई सुनो, अभी गिरी मैथ से भी बड़े हैं, सुरेश, एड्रियन, वीकॉन के मंच तक मेरे व्हीलचेयर को फिर बाद में ऐसे पुश करके मुझे छोड़ते जाओ। मैं 85 हो, 90 हो, जो कुछ भी हो, मैं वहां पर उस मंच पर जाकर यही कहूंगा कि मैं एक योद्धा हूं। शायद मेरा आवाज किसी और तरीके से आपको आता रहेगा। सुरेश, एड्रियन, ध्यान रखो इस बात को। तो आपको अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाना जरूरी है 10% से हर महीने, हर महीने। ये आपके अंदर के नेटवर्कर को जिंदा रखने के लिए है। अगर गिरी की तरह 3 जॉन्समिथ है आपके पास, तो इसमें से 10% मतलब 15 है, तो एक पूरे महीने में टिंडर में जाओ, 10-15 लोगों से मिलो, जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी करना है कर लो, 15 नाम उसमें जुड़ने चाहिए। क्योंकि आप एक नेटवर्कर हो, और आपकी सबसे बड़ी ताकत ये है, आपकी नेम लिस्ट है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि आपकी नेम लिस्ट, और ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और मैं कभी भी ऐसे नेता के पीछे नहीं जाऊंगा, या ऐसे नेता के बारे में सुनूंगा जिन्होंने ये चीज करना बंद कर दिया है। मेरे अपलाइन दातोश्री, मैं जिनके साथ पूरी दुनिया भर में घूमते रहता हूँ, मैं बुडापेस्ट गया हूँ उसके साथ में। क्यों? क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बुडापेस्ट में एक प्राइवेट जेट में गए थे, स्विट्जरलैंड से बुडापेस्ट। हम लोग बुडापेस्ट में पहुंचे, और वो एक मास्टर है, गुरु है नेटवर्किंग के लिए। होटल में पहुंचे, रिसेप्शन से लेके उनके स्वीट तक 4-4 नंबर उनको मिल चुके थे। तो उन्होंने बोला, पद्मन इनका नंबर लो। पद्मन वो खुद नहीं लेते, एक बहुत ही एक वफादार आदमी उनके पास, जो ये सारी चीजें लेते हैं, वो कहते हैं कि फिर बात नहीं, इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, ये है वो है। आज तो मलेशिया से हो, कहीं से भी हो, किधर से भी है, मैं इधर है, बड़ा 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 3 मिनट के साथ, पतपन इनके साथ इनका नंबर ले लो, ठीक है। वो सबसे जबरदस्त नेटवर्कर है, उन्होंने कभी भी रोका नहीं है अपने आप को। उनके नेम लिस्ट में नाम ऐड करते करने जोड़ने के लिए वो कभी रुके नहीं है। मेरा तरीका है प्रेजेंटेशन करने का अलग है, मैं चलते चलते मैं कर सकता हूँ मॉल में। और अगर उसको अगर इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने कला है, गिरी, ब्रिजेश, कोई भी है, तो ये है
मैं बाय डिस 5 मिनट से भी कम वक्त में किसी को भी भेज सकता हूँ। अगर दिलचस्पी है तो फिर बाद में इनसे मिलो, ऐसे मैं कहता हूँ। तो फिर बाद में आपको नेम लिस्ट बढ़ाना है तो ये इसमें कोई समझौता नहीं है। तो पहला रूल 150 नाम। तो आपकी संपत्ति जो भी है उसको 10% से लेके हर महीना आपको बढ़ाना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण रूल 3, एक गाना मैंने बनाया था दोस्तों, टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, सब कुछ है, वर्ल्ड वेयर है। और मैं मानता हूं कि आज 25 साल के बाद भी हम लोग यहां पर है, धातुश्री और जापा के अलावा हम लोग इस चीज की वजह से हम लोग यहां पर है, जो मैंने 2007 में इसका परिचय करवाया था सभी लोगों से, थे रूल 3। आर यू रेडी? ना, चीफ आप लोग को पता है लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, लेकिन आप लोग पागल हो। रूल 3, प्रेजेंटेशंस हर महीने। अभी यहां पर कुछ 800 पागल अकड़ू लोग यहां पर बैठे हैं, जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या है, मैं तो 10 करता हूं एक दिन में, ये मेरी तरह है। और मैं कह सकता हूं 10 प्रेजेंटेशन पर दिन में आप सस्टेन नहीं कर।